हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। व्यापम घोटाले पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। पीसी शर्मा ने कहा है कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने कमलनाथ को हीरो बताया और कहा कि किसानों का कर्ज माफ होगा, बच्चों की शादी होगी, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। हमने भी धरने प्रदर्शन किए, जांच होगी, दोषी लोग बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष ने जो है बजट के आंकड़ों को सिर्फ महज खेल बताया है और उन्होंने कहा है आरक्षण के मुद्दे को भी हम दोबारा उठाएंगे। खेल खेल में ही हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे 55 लाख किसानों का, खेल खेल में ही हम 51,000 रुपये बच्चों की शादी को दे रहे हैं, खेल खेल में ही युवा सम्मान योजना शुरू हो जाएगी और लोगों युवाओं को 4,000 रुपये मिलते जाएंगे और खेल खेल में ही 300 रुपये से वृद्धा पेंशन बढ़ा देंगे। एक एक काम पूरा होगा जो वचन बन दिया है। खेल खेल जो विपक्ष नेता नरोत्तम मिश्र है वो नाराज हैं, हालांकि वो आपसे जरूर खुश हैं। पथरिया वाली जो राम भाई है उनका कहना है कि पीसी शर्मा जी के अलावा कोई मंत्री हमारी बात नहीं सुनता। सभी मंत्री मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं, विधायक नाराज नहीं है। राम भाई एक बोल्ड लेडी विधायक है और किसी भी विधायक को अपनी बात रखने का अधिकार है और चाहे विधानसभा के अंदर हो या बाहर हो अपनी बात रखते हैं। शेरा भैया बोल रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा का कहना है, लाखों लोगों ने उनको वोट दिए, बात तो रखेंगे। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि सुपर सीएम का खेल चल रहा है और वो दिग्विजय सिंह चला रहे हैं पीछे से, क्या सच्चाई है इस बात? आज की राजनीति में चाहे वो मध्य प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो, कमलनाथ जी जो है वो एक अलग ही सुपर हीरो है जिनने थोड़े दिनों में 52 दिनों में 26 वचन पत्र की बातें पूरी कर दी है। इसलिए नरोत्तम मिश्रा जी जो है जो विधानसभा में थे तब भी गलत बयानी करते थे, आज भी गलत बयानी। विधायक शेरा का कहना है कि पार्टी जो है निर्दलियों को इग्नोर कर रही है, पार्टी जितनी भी कांग्रेस पार्टी जो है निर्दलीय पार्षद विधायकों को इग्नोर कर रही है। किसी विधायक को निर्दलीय को न कांग्रेस के ना और किसी पार्टी को कहीं भी सबका बात सुनी जा रही, सबका काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है अभी जुमे जुमे हुए कितने दिन, एक एक की बात पूरी होगी। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन